एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:16 का, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। गला देखो यार, क्या हालत हो चुकी है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया ना, 2-3 दिन पहले मैंने और आशु ने शाम के टाइम पे ना आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम के साथ में ना हम लोगों ने बाहर गए थे थोड़ा घूमने के लिए, हम लोगों ने ना गर्म कटलेट्स खा ली, तो वो होता है ना गर्म सरसा, तब से मेरा गला जो है ना काफ़ी ख़राब है, अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही होगी व्लॉग में। तो आज दिन है संडे का, और हम लोग हो, देखो संडे याद नहीं आ रहा तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, और कौन आया है घर पे वो भी आप लोगों को दिखाती आ हूँ। जाओ आ जाओ जी व्लॉग में। तो आई है मेरी मम्मी, और मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? पलटन 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 बाजार जा बाजार रहे हैं। क्या जरूरी काम करने जा रहे हैं? ऐसे शॉपिंग बढ़िया करने जा रहे शॉपिंग करने हैं, बढ़िया क्योंकि देखो लेडीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम ना होता है शॉपिंग। और दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी। हल्की हल्की सी मुझे खांसी भी है, लेकिन गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, तो इसी बैठे हुए गले के साथ आज का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सोचा कि वही रेगुलर वाला व्लॉग क्या शेयर करूं आप लोग के साथ में। आज छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग को भी लेके चलती हूँ मार्केट, पल्टन बाजार घुमाऊंगी, और आकर के दिखाऊंगी भी, शेयर करूंगी हम लोग क्या लेके आए हैं, क्योंकि मम्मी को भी बहुत सारा सामान लेना था। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा संडे चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में ना बच्चों का स्कूल रहता है, फिर ट्यूशन रहता है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अभी संडे में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और बस अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं, आप लोग भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना हमारे साथ। चलिए से मिल जाएगा ऑटो ना, ऑटो देख लेते हैं। तो हम लोग ना ऑटो से जाएंगे पल्टन तक, क्योंकि भैया स्कूटी चलानी आती है, अभी फोर व्हीलर नहीं चलाना आता है, तो इस वजह से हम लोग उससे ही जा रहे हैं ऑटो से। और मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी शालू बंसल, उन्होंने बोला था कि नवनीत आप कार चलाना सीख लो, तो यार डेफिनेटली मैं बहुत जल्द कार चलाना सीखूंगी, क्योंकि बहुत नीड फील होती है, और अभी काफ़ी मुश्किल भी हो चुका है स्कूटी पे ट्रैवल करना ना, तो बहुत जल्द सीखूंगी मैं। नो नो, भैया को बीच में बिठा, वो साइड में हाथ दिखा लेगा, उसको बीच में बिठाओ। मार्केट पहुंच चुके हैं, और इतनी तेज़ धूप थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़, मैंने सोचा था मैं बहुत सारा शूट करूंगी, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ मन नहीं हुआ, ऐसा हो रहा था बस कि जल्दी फटाफट से सारा सामान लें और घर पहुंचे। और सीरियसली यार, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, कुछ तो मेरा गला ख़राब था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा कि बहुत मुश्किल से हम लोगों ने शॉपिंग की है। छोटी मोटी क्लिप्स लेकिन आप लोग के लिए मैंने शूट की है, तो बस अभी हम लोग ले रहे हैं बेडशीट्स, मम्मी को कुछ कॉटन की बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, तो वो हम लोग देख रहे थे, और बाकी भी हमने बहुत सारा सामान लिया है, जो कि मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज मम्मी का जितना भी था कि हाँ बहुत सारा सामान लेना था, तो वो सभी हमने लिया है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है हर वक्त बाजार आना, और मम्मी मोस्टली देहरादून से ही शॉपिंग करती है, तो वो जब भी मेरे पास आती हैं तो उनका एक चक्कर मार्केट जरूर लगता है, तो वही मैं आज मम्मी को लेके आई थी। मम्मी ने सारी शॉपिंग कर ली है,
और अभी हम लोग ले रहे हैं एमी के लिए एक टॉय जो कि मम्मी ने उसको लेके दिया था, मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो वही एमी यहाँ पर देख रहा है और एमी मार्केट आए और अपने लिए कोई टॉय ना लेके जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम लोगों ने ली है एमी के लिए ये वाली कार। तो चलिए घर चलते हैं और बाकी आप लोग के साथ घर चल के बातें करते हैं। टाइम हो चुका है 6 बजे का और सीधा मैं आप लोगों से ना अभी मिल रही हूँ, क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आज संडे का दिन था। संडे में काफ़ी भीड़ होती है और गर्मी, गर्मी का तो आप लोग पूछिए मत, कितनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी, मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी है, हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन देखिए जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ काम होते हैं जो करना ज़रूरी रहता है। तो मम्मी डेली डेली तो नहीं आ सकती हैं डोईवाला से, तो आज जो उनको शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हम लोगों ने की है और फिर उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे। और घर आके हम सभी लोग खूब देर तक सोए हैं। अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे मैंने चाय बनाई है उठ के। अभी हम लोग ये देखिए चाय पी रहे हैं, बच्चे भी यही हैं, दोनों बैठी है, एमी अभी उधर गया, तो बस अभी चाय पी रहे हैं। सोचा आप लोगों से बात कर लूं क्योंकि मार्केट में यार शॉपिंग करते वक्त ना, और मेरा गला देखो कितना बैठा हुआ है, और शॉपिंग करते वक्त ना बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। और आजकल ना कुछ ऐसा ही वेदर चल रहा है, सबको कोल्ड है, गला ख़राब है या स्टमक में प्रॉब्लम है, वायरल वगैरह बहुत चल रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, बच के रहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग गर्मी से आके सीधा ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। हालांकि मुझसे भी थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ दिन मैंने ठंडा पानी भी पिया है बाहर से आके, शायद उस वजह से या पता नहीं किस वजह से, लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ना थोड़ी देर छत पे चलेंगे, आप लोग को मैं लेके चलूँगी क्योंकि एमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। सबको दिखा दो कैसे चलता है। तो एमी ना यही दिखाने के लिए आप सबको कह रहा था क्योंकि एमी को और कुछ नहीं लेना था मार्केट से, एमी लेके आया अपने लिए ये। क्या है एमी ये? वैसे एमी अच्छा स्पेस मिल गया आपको चलाने के लिए, है ना। और सॉरी आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ख़राब लग रही होगी, आज बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही होगी, तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं आप लोग के साथ कोई व्लॉग शेयर किए हुए, इसलिए आज आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बस अभी एमी इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे अपनी कार चला रहा है और हम लोग आ गए थे छत पर। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है लेकिन शाम के टाइम ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो मम्मी भी यहाँ खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड अच्छे से हो रहा है। तो बस अभी मैं मम्मी को लेके ना थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी क्योंकि नीचे ना मन नहीं लग रहा था, सोचा चलो थोड़ी देर आप लोग को भी छत का व्यू दिखा के लाते हैं। और ये जो टाइम होता है ना 6 से 7 का टाइम, ये काफ़ी अच्छा रहता है, दिन भर की गर्मी से ना राहत मिल जाती है इस टाइम पे, बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, नहीं तो सारा दिन क्या है स्कूल से आते ही अंदर अंदर अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है धूप। तो ये देखिए एमी कर रहा है इंजॉय और नोनो इधर घूम रही है नानी के साथ। तो बस अभी कुछ देर के लिए हम लोग छत पे आ गए थे, सोचा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और अच्छा लगा मार्केट जाके, मम्मी को काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी वो की है, लेकिन आज के इस व्लॉग में ना मैं आप लोग के साथ शॉपिंग शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारा सामान है जो कि कल के व्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सोचा बात करके ना आप लोगों से इस व्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सब हमारी बनी हुई है, आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बनाई थी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी जो कि हम लोग सिर्फ चपाती सेकेंगे और थोड़ी सी मसरी की दाल बना लूँगी साथ में क्योंकि सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और गला ख़राब है, तो
तो आशु ने सख्त मना कर दिया कि निम्पी मट्ठा या फिर दही बिल्कुल मत लेना। और यार मैं थोड़ा सा ना कभी कभी लापरवाही कर जाती हूँ खाने पीने के मामले में, इसलिए मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि मैंने बीच में ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी। और एक आप लोग को ना मैं सीक्रेट बताऊँ, आज मार्केट हम लोग गए थे ना तो वहाँ पर मैंने ना पापड़ी चाट भी खाई। कोई बात नहीं यार, कल मेडिसिन खा लेंगे, सोने से पहले मेडिसिन खा लेंगे। तो होता है मेरा इतना मन कर रहा था ना कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने मार्केट जब गई हूँ ना, मम्मी भी मुझे गुस्सा हो रही थी, कहती है वैसे तो तुम्हारा गला ख़राब हो रहा है और तुम्हें चाट खानी है, लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा हो रहा था ना, और बल्कि मैं तो गोलगप्पे भी खाने वाली थी, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा रुक गई क्योंकि गोलगप्पे का पानी ज़्यादा ठंडा खट्टा होता है। मैंने कहा यार कहीं बिल्कुल भी मेरा गला चोक हो जाए, आवाज़ ही ना आए, तो फिर सिर्फ मैंने पापड़ी चाट खाई और रात में खा लेंगे दवाई। सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी आज के इस व्लॉग को, लेकिन इसके बाद जो व्लॉग आएगा उसमें शेयर करूँगी आप लोग के साथ ढेर सारी शॉपिंग। गर्मी बहुत थी लेकिन ये था कि मज़ा आता है यार शॉपिंग करके ना। हालांकि गर्मी में ना जितना आप सर्दी में अच्छे से घूम सकते हो, गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और शॉपिंग करते वक्त ऐसा भी नहीं होता कि छाते वगैरह आप लोग कैरी करो, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए बस इस व्लॉग को आज एंड करते हैं, छोटा सा व्लॉग है लेकिन होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्या हम लोग ख़रीद के लाए हैं, और यहाँ इंजॉय सब लोग कर रहे हैं इवनिंग टाइम छत पर, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि दिन भर में तो धूप होती है बहुत तेज़। तो अभी बस कुछ देर हम लोग यहाँ घूमेंगे, उसके बाद नीचे जाके बनाएंगे डिनर। तो यहाँ देखिए मम्मी सबको बाय बाय कर दो। बाय। तो जी मम्मी की तरफ से, मेरी तरफ से और नोनो बच्चों की तरफ से आप सभी को बाय बाय। बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगी नए व्लॉग में, होप सो गला ठीक हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।